नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। हम सबको पता है कि आसाराम बापू जेल में है ओवर एलिगेशंस ऑफ रेपिंग अ माइनर गर्ल। यहाँ पे मैं वर्ड एलिगेशंस इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं, फैक्ट्स भी दिखाए जा रहे हैं जो कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट गलत तरीके से आसाराम बापू के ऊपर लगाया गया। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, बट यहाँ पर मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिकॉज मैं भी लॉ को समझने का प्रयास कर रही हूँ। एंड वॉट एवर आई अंडरस्टैंड, आई बिलीव दैट वी नीड टू रिकरेक्ट अ मिस्टेक इफ देर हैज बीन अ मिस्टेक इन द पास्ट। आसाराम बापू के ऊपर बहुत सारे स्पेक्यूलेटिव थियोरीज शेयर करे गए हैं कि कैसे उनको फंसाया गया बाय पीपल हु वर क्लोज टू हिम इन अ फेक पॉक्सो एक्ट के साथ। साथ में हम सबको पता है कि जोमैटो गाय कामराज के साथ जो हुआ जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई, और ये उसका दुख देख के अब FIR दर्ज किया गया है अगेंस्ट द इन्फ्लुएंसर फेमिनिस्ट जो कह रही है कि कामराज ने उसे मारा। मगर जोमैटो गाय की ये कहानी को अब शायद एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि लोग उसके साथ खड़े हैं एंड लोग यानी फेमिनिस्ट भी इन लोगों में इंक्लूडेड है जो कहती हैं कि कामराज को जस्टिस मिलना चाहिए बिकॉज लाइफ में एक तरफा नैरेटिव सही नहीं होता। यहाँ पर आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट अ पर्सन कॉल्ड एज विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है बाय प्रिंट, 10 मार्च की इन्फॉर्मेशन है। और विष्णु तिवारी के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ बिकॉज उन्होंने 20 साल बिताए हैं जेल के अंदर ओवर अ फॉल्स रेप केस। वो अभी एक्विट हुए हैं 3 मार्च के अराउंड एंड अलाहाबाद कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उन्हें एक्विट करते हुए कहा है कि जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे वो रेप के, वो फॉल्स थे। 2001 में वो इम्प्रिजन हुए थे। वो सिलावन विलेज से हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से। उनके फादर का नाम था रमेश्वर तिवारी जो 2013 में गुजर गए, और एक साल में उनकी मदर का देहांत भी हो गया। उनके 2 ब्रदर्स की डेथ हो गई ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। वो किसी का भी फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाए एज पर द इंफॉर्मेशन दैट आई एम रीडिंग। अब अलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी व्हाइल एक्विटिंग हिम, तब उन्होंने कहा कि मेडिकल एविडेंस नहीं बता रहा था फोर्सिबल इंटरकोर्स, देयर वाज नो साइन ऑफ स्पर्म। उनको लगता है एज पर एविडेंस वाज नॉट कमिटेड, इट वाज अ कंसेंशुअल इंटरकोर्स इफ देयर वाज एन इंटरकोर्स बिकॉज देयर वाज नो इंजरी ऑन प्राइवेट पार्ट्स। लेडी उस समय 5 महीने प्रेग्नेंट थी जिसने इल्जाम लगाया था विष्णु तिवारी के ऊपर ऑफ रेप। लेडी ग्रोन अप लेडी थी, शी वॉज नॉट अ माइनर, और उसने ये भी आरोप लगाया था कि विष्णु तिवारी ने उन्हें पीटा था। मगर कोर्ट ने ये कहा कि उनको पता चला छानबीन में कि देर वॉज अ मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेंट, लड़की की तरफ से, औरत की तरफ से मोटिव था, और मोटिव था एक लैंड डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द पार्टीज। अब मेडिकल एविडेंस में डॉक्टर ने कोई स्पर्म नहीं पाया व्हेन द लेडी वॉज इंस्पेक्टेड। The doctor categorically opinion that no signs of forcible sexual intercourse were found. अब ये सारे facts और records judgment में दी जाते हैं जब विष्णु तिवारी को रिहा किया जाता है। तो 20 साल तक क्या हो रहा था? I really want to understand because जब मैं बूंदी जेल में गई थी तब मैंने भी देखा था कि बहुत सारी ladies सालों से जेल में थी और वो कह रही थी कि वो innocent है, उन्होंने murder नहीं किया जिस इल्ज़ाम से उनको जेल में डाला गया। One lady was accused of doing prostitution and उसने कहा कि कैसे उसका फादर उसको फंसा रहा है। सो देयर वर लॉट ऑफ स्टोरीज दैट मैंने सुनी जेल के अंदर एंड ऑल द स्टोरीज दैट वर शेयर्ड बाय द विमेन देयर, दे सेड दैट दे वर बीइंग फ्रेम्ड, मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और अगर आप देखें तो मैं भी हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट से स्क्वॉश करने का प्रयास कर रही हूँ बूंदी केस, मगर वो स्क्वॉश नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है चार्जशीट ही फाइल हो जाएगी बिकॉज मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, नंबर ही नहीं आ रहा है स्क्वॉशिंग का। सो आई रियली डोंट नो हाउ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया वर्क बिकॉज मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैं एक्टिंग कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ये किया है लास्ट 10 सालों से, मगर मैं लॉयर नहीं हूँ तो मुझे नहीं रियली पता हाउ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया वर्क। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं भी अभी तक अपना स्क्वॉशिंग का केस नहीं देखा इन जयपुर हाई कोर्ट, जो मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, 1 साल से ट्राई कर रही हूँ कि आ जाए उसका नंबर आ जाए, मगर उसका नंबर ही नहीं आता। सो इतने साल से दिस मैन वॉज सफरिंग इन द जेल of Allahabad and he was suffering because he was accused of raping a 5-month
ओल्ड फुल ग्रोन वुमन, मगर अब फाइंडिंग्स है कि उनका एक लैंड डिस्प्यूट था एज पर इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन अ न्यूज पोर्टल. मगर मैं कह रही हूँ, हाउ कुड दिस गो सो अननोटिस्ड? व्हाई इज लाइफ इन इंडिया सो कैजुअल? व्हाई इज इट दैट अगर एक आदमी के पास पैसे नहीं है वो लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज आई रियली डोंट थिंक विष्णु तिवारी इज कनेक्टेड, तो वो ऑब्वियसली लॉयर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता. एंड लॉयर्स ऑब्वियसली आई फील वर्क अ लॉट ऑन अ लॉट ऑफ एजेंडाज, बिकॉज मैंने भी देखा है कि किस प्रकार से जब बूंदी का इंसिडेंट हुआ तब मेरे बेल को एक लॉयर ने मुझे मिसगाइड करके कहा था कि बेल लेना नहीं चाहिए, यू आर नॉट गिल्टी, सो वाई शुड यू अप्लाई फॉर बेल. और वही मेरी गलती हुई क्योंकि उससे टाइम वेस्ट हो गया. और जब मैंने बेल के लिए अप्लाई किया, दैट इज द टाइम when Rajasthan police, you know, left Rajasthan and over the weekend arrested me. तो यहाँ पर lawyers भी आपको misguide करते हैं अपना खुद का, you know, hidden agenda पूरा करने के लिए. So I am just trying to understand, जब educated लोग like me take time to figure out law, rules, regulations, तो जो लोग illiterate होते हैं, गांव से होते हैं, उनको तो कानून समझ ही नहीं पड़ता, उनको तो लोग बेवकूफ बनाते हैं. So ये I think विष्णु तिवारी के साथ हुआ. 20 साल उसकी ज़िंदगी के चले गए. आई एम सो डिसअपॉइंटेड. अब ये सारे इंस्टेंसेस अब बाहर आ रहे हैं, और ये सब इंस्टेंसेस बाहर आने के बाद भी अगर हम दो मिनट के लिए सोचते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ मेन नहीं होनी चाहिए, तो आई थिंक हमसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार इंसान कोई नहीं है. बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है इंसाफ की. अगर पुरुषों को गलत फेक केसेस में जेल में डाल दिया जा रहा है इतने सालों से बिकॉज वो पुरुष है, देन आई थिंक हमसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार इरिस्पॉन्सिबल औरत कोई नहीं होगा. अगर फेमिनिस्ट अपोज नेशनल कमीशन ऑफ मेन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स के आधार पर मैं कह रही हूँ कि मेन शुड ऑल्सो गेट इक्वल जस्टिस. देर शुड बी जेंडर न्यूट्रल लॉज. अब ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको बुक किया गया फॉर रेप एंड अट्रोसिटीज अंडर SC/ST Act. आई थिंक ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये पूरा एंगल जो है ये भी निकलना चाहिए. दैट इज़ माई निजी सोच, बट देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ वॉट हैपन्ड विद विष्णु तिवारी. उनको रेप के लिए बुक किया गया, अट्रोसिटीज अंडर SC/ST Act. तिवारी को जब 2001 में गिरफ्तार किया गया, उसको फिर बेल मिली, मगर ही वॉज अगेन री अरेस्टेड एंड देन सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो यहाँ पे तिवारी स्पेंट 20 ईयर्स इन जेल. वो अपने पेरेंट्स को नहीं मिले, भाइयों को नहीं मिले, ही कुड नॉट इवन डू देयर लास्ट राइट्स. आज की तारीख में ही हैज़ नॉट मच मोड ऑफ अर्निंग इनकम, बिकॉज उनकी सारा जो एंसेस्ट्रल लैंड था वो ऑब्वियसली यू नो पे ऑफ करना पड़ा. तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है भारत के अंदर पुरुषों के साथ. ये सब देख कर तो आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी यू नो डिसअपॉइंटेड एट द वे द लॉ हैज़ बीन वर्किंग इन फेवर of men since last few days. Ab jaake National Human Rights Commission NHRC has issued notice to Chief Secretary and Director of the General of Police Uttar Pradesh asking for a favor, asking for a detailed report of the matter, observing that this seems to be non-application of Section 433 CRPC section is government can commute sentences. Magar unhone aisa nahi kiya, to ab NHRC issue कर रही है नोटिस टू चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश आस्किंग फॉर अ डिटेल्ड रिपोर्ट कि क्यों आपने ऐसा नहीं किया. तो अभी कानून तो कानून है, मगर एक ये जिस प्रकार का कानून है जहाँ पर एक सच्चे आदमी को 20 साल जेल में बिताने पड़ते हैं, आई थिंक ये सुनकर बहुत बुरा लगता है. जब मैं भी जेल गई थी आई वॉज लाइक सो स्कैड. मुझे लगा ये कांग्रेस के चक्कर में, ये मोतीलाल नेहरू के चक्कर में मैं क्यों जेल जाऊँ. आई एम एन एजुकेटेड गर्ल, आई वॉज जस्ट मेकिंग अ वीडियो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. आई गॉट बेल इन 30 आवर्स, मगर मुझे ठप्पा लगा. वो ठप्पा गलत था मुझे फील होता है, बिकॉज मैं तो सिर्फ एक थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से वीडियो बना रही थी. आई हैड नो इंटेंशन टू कॉज कम्यूनल वायलेंस, मगर मेरे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए, यू नो. एंड आई प्रिज्यूम आई एम नॉट एबल टू स्क्वॉश इट बिकॉज आई एम नॉट इन अ पावरफुल पोजिशन. आई एम नॉट एसोसिएटेड विद BJP सरकार और सम पावरफुल सरकार, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे वो सेटिंग्स हैं, कनेक्शन हैं, इसलिए मेरा अभी तक केस स्क्वॉश नहीं हुआ. तो दिस इज़ रियली रियली सैड, बट आई फील नेशनल कमीशन ऑफ मेन इज़ द आंसर फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट मेन हैव बीन फेसिंग इन इंडिया. एंड आई होप केंद्रीय सरकार इसके ऊपर जल्द काम करे एंड अनाउंस करे इसका फॉर्मेशन. नमस्ते, जय.